Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कोई भी बड़ा इंसान उस वक्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो अपनी कामयाबी में हर वो इंसान का मशहूर ना हो जिसने उसे सीधी राह या रास्ता ही क्यों ना दिखाया हो। अरूज मिल जाता है लेकिन अरूज को संभाल वो ही पाते हैं जो अपनी औकात और पुराना वक्त और पुराने लोगों को याद रखते हैं। इसकी मिसाल पाकिस्तान के एक बहुत अजीम क्रिकेटर ऑलराउंडर ने कायम की। हम बात कर रहे हैं दी लेजेंड वसीम अकरम की। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जो 1985 की है जब वो नए नए क्रिकेट में आए थे। वसीम अकरम की दाईं जानब और बाईं जानब उनके कोच बैठे हैं। वसीम अकरम का कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि कल की बात है। 1985 में न्यूजीलैंड के क्रिकेट टूर में मेरे कोच साउथ खान ने मेरी हर तरह से मदद की। मुझे याद है कि मेरे दूसरे कोच सादिक खान मुझे रोजाना अपनी जेब से नई बॉल खरीद कर देते थे ताकि मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकूं। मैं इन एहसानात को कभी नहीं भुला सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं इस मुकाम पर जहां खड़ा हूं कभी ना पहुंच पाता अगर ये मेरे कोच मेरे साथ ना होते। इस पर एक सार्फ ने लिखा कि वसीम भाई यही वजह है मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपको बतौर क्रिकेटर बहुत लोग प्यार करते हैं मगर आपका ये रूप बहुत अच्छा है। आपसे अगर हो सके तो इन कोचेस के घर जाकर इनके साथ वीडियो बनाएं अगर वो जिंदा हैं। अगर नहीं रहे तो इनके खानदान वालों के लिए आसानियां पैदा करें इनकी जिंदगी। कमाल के बादशाह लोग थे जो अपने से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और आज के दौर में हर एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ है। जिस पर वसीम अकरम ने रिप्लाई किया कि ग्रेट आइडिया, मैं PSL खत्म होने के बाद उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। कोच सऊद भाई तो लाहौर में ही होते हैं लेकिन सादिक भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। स्विंग के सुल्तान आज भी अपनी औकात को नहीं भूले इसलिए मेरा रब ऐसे लोगों को हमेशा के लिए आला मनसब पर फाइज रखता है। अल्लाह पाक वसीम अकरम भाई को लंबी जिंदगी और मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे। आमीन।